आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ शहर से बाहर कहीं अपनी कार से घूमने गए हो और तभी अचानक से गाड़ी का तेल खत्म हो जाए, आसपास कोई पेट्रोल पंप भी ना हो, ऐसे में आप फंस जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति का सामना कई लोगों ने किया भी होगा, पर सोचिए अगर आप ऐसे ही किसी जगह पर फंसे हो और आपके एक कॉल पर गाड़ी का डीजल आपको मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो आज ऐसे ही एक स्टार्टअप की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। बात वडोदरा के रहने वाले चार दोस्तों की, जिन्होंने साथ मिलकर डीजल के डोर स्टेप डिलीवरी की सर्विस देने का स्टार्टअप शुरू किया। पूर्वम पटेल, अलय पटेल, व्योम अमीन और सपन पटेल ने 9 महीने पहले फ्यूल सर्विस के नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। 50 लाख की लागत से अगस्त 2020 में अपनी कंपनी रजिस्टर कराई और फिर नवंबर में अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। शुरुआत तो चारों ने वडोदरा शहर में अस्पतालों, होटलों, मॉल, कंपनी सहित छोटी मोटी यूनिटों को डीजल पहुंचाने से की। फिर धीरे धीरे छोटा उदयपुर, भरूच और पंचमहल जिले के ग्रामीण इलाकों में कंपनियां और किसानों तक डीजल पहुंचाने का काम शुरू किया। वे अपने डीलर्स को बाजार के भाव पर ही डीजल बेचते हैं। डीजल की डिमांड आते ही 30 मिनट के अंदर वे अपने टैंकर रवाना कर देते हैं। कंपनी के पास 1000, 4000 और 6000 लीटर की कैपेसिटी वाले 2 टैंकर्स हैं। टैंकर्स में कैमरे भी लगे होते हैं। उनके इस स्टार्टअप से ग्राहकों का पैसा और टाइम दोनों बचता है। कंपनी के सारे टैंकर हाई क्वालिटी के साथ सिक्योरिटी फीचर्स से लैस हैं। कंपनी के पास एक डिस्पेंसर यूनिट भी है, जहां डीजल की क्वालिटी टेस्टिंग मशीन भी लगी हुई है। कंपनी का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है, जिसके तहत वो ये चलता फिरता पेट्रोल पंप चला रहे हैं। कंपनी का टारगेट आने वाले 5 सालों में गुजरात में अपने चलते फिरते पेट्रोल पंप की एक फ्रेंचाइजी शुरू करना है। कंपनी का टर्नओवर भी हर महीने 3 करोड़ का है। जहां कोरोना महामारी के बाद लोग अब रोजगार के नए ऑप्शंस के बारे में सोचने पर मजबूर हैं, तो वहीं वडोदरा के इन 4 यंगस्टर्स ने फ्यूल सर्विस जैसे स्टार्टअप से कई युवाओं के लिए उम्मीद के दरवाजे खोले हैं। चारों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी इन्होंने नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचा और इसमें कामयाबी भी हासिल की। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ।